दोस्तों यह है कटर मशीन, इससे आप सरिया भी काट सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं, प्लास्टिक का पाइप भी काट सकते हैं। इसकी मशीन की खासियत यह है कि किसी एंगल में, मतलब आपको काट कोना में काटना हो चाहे सीधा काटना हो, जैसे लकड़ी काटना हो आप इससे काट सकते हैं, चाहे वो लोहा हो चाहे लकड़ी हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। तो आइए फटाफट आप लोग को बताते हैं। देखिए इस ग्लेंडर मशीन में तीन वायर मोटर से निकला हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा करके स्विच खराब हो जाता है और वायर क्या होता है, बार बार इधर उधर करने से जहाँ से भी ज़्यादा ये मुड़ता है वहाँ से टूट, तो ज़्यादा करके वायर और इसका स्विच ही खराब होता है। तो इस मशीन में इसका वायर जो है जहाँ से भी ज़्यादा मुड़ा था वहाँ से टूट गया था। तो हम लोग इसमें वायर चेंज करेंगे और स्विच भी इसका फिट करके आप लोग को बताएंगे कि कौन सा तार कहाँ पे जुड़ा है और कनेक्शन पूरा डिटेल में एक एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। देखिए स्विच है, स्विच में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम जो पहले वायर को फिट किए हैं, वायर फिट करने के बाद हम जो है इधर दो वायर निकाल लिए हैं और पुराने तार में से थिम्बल को काट कर और इस तार में हम जोड़ लिए हैं ताकि हमें स्विच में थिम्बल लगाने में आसानी हो। स्विच का कनेक्शन देखिए, मोटर से तीन तार निकला है, रेड वाले तार में डायरेक्ट आपको न्यूट्रल जोड़ना है, बाकी दो तार स्विच के ऊपर नीचे पॉइंट में जोड़ देना है और एक फेस का जो तार बचा है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में ला के जोड़ देना है। इस तरीके से ला के आपको कनेक्शन जोड़ देना है। देख सकते हैं एकदम ईजी कनेक्शन है, तीन तार मोटर से निकला है, तीनों तार में से दो तार आपको स्विच में जोड़ना है, एक तार में न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। और जो मेन दो तार आ रहा है वो तार को क्या करना है, एक तो आप मोटर में जोड़ दिए, दूसरा बचा तार है उसको स्विच में ला के फेस वाला तार जोड़ देंगे। इस तरीके से कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए स्विच को इस तरीके से लगा लेना है, बिल्कुल इजी तरीका है स्विच को लगाना। और स्विच बराबर तरीके से नहीं लगाएंगे तो ये जो बटन है, ये बटन जो है बराबर तरीके से नहीं दबेगा, आपका मशीन भी नहीं चलेगा। तो याद रखिए अच्छे से स्विच को लगाना है, उसके बाद इस बटन को लगाना है। बटन लगाने के बाद इसको दबा के चेक कर लेना है कि बटन सही दब रहा है कि नहीं दब रहा है। अगर बटन सही तरीके से नहीं बैठेगा तो बटन नहीं दबेगा तो मशीन भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से आपको बटन बैठा लेना है और देखिए अभी जो है कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका कवर लगाएंगे। मशीन का कवर भी लगाना बहुत आसान है क्योंकि जैसे खोले थे वैसे इसको लगाना है। इसके लगाने के लिए आप लोगों को स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है नट और बोल्ट लगता है, छोटा सा नट रहता है उसके साथ इसमें बोल्ट लगता है। देखिए यही बोल्ट है, इस बोल्ट को मशीन में फंसा लेंगे, फंसाने के बाद इसके नट को फंसाएंगे, नट को फंसाने के बाद स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद मशीन की रिपेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब चलिए कुछ काट के इसे दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए अभी यहाँ पे पाइप कट रहा है और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पाइप कट रहा है। इसमें चाहे तो ब्लेड चेंज करके आप सरिया भी काट सकते हैं, लोहा भी काट सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, कुछ भी चाहे जो आप काट सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम।